नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिक जानकारी के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इसरो असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है 10 दिसंबर को होना है। भारत में बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहां पे 10 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम इसरो असिस्टेंट और UDC के लिए, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो सिलेबस है यह इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें डिटेल सिलेबस है, तो उसी के लिए हम उसके सिलेबस के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जनरल इंग्लिश का जो है, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका 4 पार्ट में डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD, और ये जो एग्ज़ाम होना है 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 200 क्वेश्चंस, और 200 क्वेश्चंस जो होंगे आपको हर एक सही क्वेश्चन के अटेम्प्ट पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत क्वेश्चन को अगर आपने फील किया होगा तो आपको -0.25 नंबर काटे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश का जो है 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा। तो जनरल इंग्लिश का जो 50 क्वेश्चन है, इसमें इसका जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एबिलिटी टू राइट करेक्टली प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेज। तो इंग्लिश का सिलेबस होगा, आपको यहाँ से इसमें से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी 50 क्वेश्चन होंगे जो, और 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो डिटेल सिलेबस है, क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम से होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, डिस्काउंट से होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होगा, मिक्सर एंड एलिगेशन से होगा, एवरेज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से होगा, टाइम एंड वर्क से होगा, पाइप एंड सिस्टम्स से होगा, बोट एंड स्ट्रीम से होगा, पार्टनरशिप से होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस से होगा, LCM SCF से क्वेश्चन होंगे, सिंप्लीफिकेशन से होंगे, ज्योमेट्री से होंगे, ट्रेंगल्स सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल लाइंस एंड एंगल्स ETC, मेंसुरेशन मेंसुरेशन से भी होंगे जिसमें एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम ये सब निकालने के लिए आएगा, और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से होगा, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स हाइट एंड डिस्टेंस ये सब से क्वेश्चन भी होंगे, एलजेब्रा में फैक्टराइजेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलीनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन ये सब से भी क्वेश्चन होंगे, स्टेटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है हमने बता दिया। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो जो इसका सिलेबस है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस ऑन मिसिंग नंबर, रिपीटेड सीरीज, एनालॉगी, वेन डायग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कैलेंडर, नंबर सीरीज, कोडेड इक्वेशन, क्लॉक डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट सीक्वेंस, मिरर एंड वाटर इमेज। तो ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होगा इतने में से क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद लास्ट जो है GK जो जनरल नॉलेज है, इससे भी आपको 50 क्वेश्चन हो गए और ये 50 नंबर के होंगे। तो GK का जो सिलेबस है, क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, साइंस, पोलिटी मतलब पोलिटिकल और इकोनॉमिक, इस इन सब से क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज में। तो आपको जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स को भी आपको याद करना है, और हिस्ट्री से भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, और आपको इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये सब भी GK में पढ़ लेना होगा। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे जनरल नॉलेज का, टोटल 200 क्वेश्चन हुए, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हर सक्सेसफुल एक सही अटेम्प्ट पे +1 आपको मार्क्स किया जाएगा, और हर एक गलत अटेम्प्ट के लिए आपको -0.25 नंबर काटा जाएगा। तो यह इसरो का जो असिस्टेंट और UDC के लिए जो सिलेबस था इसको हमने आपको बताया। तो हम इसका एक PDF का जो लिंक होगा आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इन जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। तो इसके बारे में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे।